हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज पहुँच गए हैं दोस्तों हम परासिया के उन घने जंगलों में जहाँ पर स्थित है देवरानी दाई मंदिर। यहाँ पर एक कुंड है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत है। काफ़ी मान्यता है यहाँ के लोगों की, काफ़ी लोग यहाँ आस्था रखते हैं। जिस जगह पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये काफ़ी घना एरिया भी है और हरा भरा एरिया है। यह है परासिया के घने जंगल। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मंजर देखने को मिल जाता है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है दोस्तों यहाँ पर। तो आज यहाँ का व्लॉग हम शूट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला है, क्योंकि अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, साइडें चल रही थी, घर के भी काम थे। आप लोग सोच रहे होंगे 10-15 दिनों में एक व्लॉग आ जाता है इनका, फिर 10-15 दिनों में दूसरा व्लॉग आता है, क्योंकि यार काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी। टाइम जो कुछ दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम जो काफ़ी तेज़ी से चलता है, जिस वजह से हम हमारे काम में अभी ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं। आज हमको टाइम मिला है तो आज हम देवरानी दाई पहुँचे हैं दोस्तों। देखिए आप मेरे पीछे कितना हरा भरा एरिया है, ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे देखते हैं कुंड के पास चल के, और क्यों इसका नाम देवरानी दाई है, ये सारी चीज़ें आज वहाँ पहुँच के पता चलेगा और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। यह है दोस्तों देवरानी दाई का एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये रोड जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आती है पगारा से, यहाँ तक पहुँचते हैं। पैजनवाड़ा गांव पड़ता है पहले, पैजनवाड़ा से फिर हमें यहाँ आना पड़ता है। मेन ये एरिया कहना चाहिए, देवरानी दाई जो एरिया है वो पैजनवाड़ा में ही पड़ता है। यहाँ से लगभग लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पे हमें देवरानी दाई मंदिर और उसके बगल में हमें वहाँ कुंड मिलेगा। लगभग लगभग अभी मैंने सुना है यहाँ पर कि 15 दिन यहाँ पर मेला रहा, जो कि अभी बहुत बड़ा मेला रहा होगा मेरे हिसाब से। यह हम कुंड के पास यहाँ पहुँच गए हैं और मंदिर भी यहीं आसपास में ही होगा इसके। देखते हैं और आगे चलते हैं क्या क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमें। तो फ्रेंड्स, देखते रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, जहाँ से ये नदी बहती है और कुंड के करीब जाने का रास्ता यही है। सीढ़ियों से उतर के हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। फाइनली हम नदी के करीब करीब में आ गए हैं, काफी पास में हैं हम यहाँ से अभी। इस नदी से कुंड में पानी भराता होगा, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच से निकल के ये नदी आती है और ये जो कुंड बना हुआ है यहाँ पे, इस कुंड में यहाँ पानी समा जाता है। इसका गैलरी से फेंसिंग कर दिया गया है यहाँ पे। देखिए ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये काफी पत्थरों से भरा हुआ एरिया है और आगे भी नदी यहाँ से बहती हुई जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मछली पालन भी होता है, छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी बगल में मुझे नज़र आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मछलियाँ पकड़ने नहीं दी जाती होगी, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ इतनी सारी पल गई हैं। अगर जिस जगह पर मछलियाँ पकड़ने दी जाए तो वहाँ तो शायद ही देखने को मिले हमें मछलियाँ, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। शायद कैमरे में हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी होंगी, और काफ़ी गहरा भी समझ में आ रहा है। ये जो कुंड जो दिख रहा है बहुत गहरा भी समझ में आ रहा है। पत्थर भी देख रहे हैं आप यहाँ पे, और काफ़ी ऊंचा एरिया भी है। मंदिर जो इसके ऊपर जो बना हुआ है वो बहुत ऊंचा है यहाँ से। अरे वही तो, एडवेंचर। हाँ नहीं, नीचे जाएंगे डायरेक्ट। बहुत हाइट पे नीचे उतरना पड़ रहा है। रास्ता होगा यार यहाँ से उतरने का? हाँ चल। देखना तो फाइनली फ्रेंड्स, पूरा राउंड घूम के हम लोग यहाँ पहाड़ों से ऊपर चढ़े, नीचे उतर के हम यहाँ अभी ये यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। छोटा सा नहीं बोल सकते, बहुत ही बड़ा कुंड बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और इतनी मछलियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हमको अभी यहाँ देखने को मिली है। और आगे भी चल के देखते हैं यहाँ पर
यार एक चीज ये देखिए क्या है, आप लोग यहाँ आए पूजा किए आस्था का, आपने यहाँ पर मजाक बना के रख दिया है। देखिए आप यहाँ पर, आप लोग यहाँ आए पूजा करें, पूजा करते तक आप लोगों के लिए ये भगवान है, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे ही फेंका और चले गए। कई ऐसी मूर्तियाँ को ही वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं, और आज ये देखिए ये भी ऐसा ही हुआ है आज हमारे साथ। आप लोगों ने आए पूजा करें और इसे यहीं ऐसा फेंके और चले गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ये आप लोगों ने मजाक समझ गया इन चीज़ों को। जब भी आप प्राकृतिक जो विपदाएं आती हैं इसी वजह से आती हैं, और हम सब परेशान होते हैं, सिर्फ रीज़न यही, ये कारण यही है। तो दोस्तों आप लोगों को सलाह है कि जब भी आप यहाँ ऐसे पिकनिक पैलेस पे या आस्था के पैलेस पे आप आएँ, तो ऐसा अनादर ना करें ताकि कोई दूसरा बंदा या फिर कोई अदर बंदे लोग इस चीज़ का मजाक ना उड़ाएं। आप खुद ही अपने धर्म की मजाक उड़ाने का एक रास्ता बना के देते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कभी दोबारा ऐसा ना करें, और जो लोग करते हैं उन्हें ये चीज़ समझाएं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है देवरानी दाई मंदिर का कुंड, जो काफ़ी ही खूबसूरत है, और प्रकृति का एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर यहाँ हमें देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर है ये एरिया, और इसका नाम देवरानी दाई इसलिए पड़ा है कि ये ऊपर में ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये देवरानी दाई मंदिर है, इसी वजह से इस जगह का नाम देवरानी दाई पड़ा है। काफ़ी खूबसूरत पैलेस है, काफ़ी अच्छा और सेफ़ और सिक्योर पैलेस है। हालांकि नीचे आने का रास्ता अभी हमें यहाँ कंफर्म नहीं पता चला है कि नीचे यहाँ कैसे पहुँचेंगे हम। नीचे बड़ा ऊंचे नीचे रास्ते से हम यहाँ नीचे पहुँचे हैं अभी। ये देखें आप, यहाँ पर ये वो कुंड है जिसे देवरानी दाई कुंड कहा जाता है, बहुत फेमस है दोस्तों। अगर आप यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए या पहली बार इस लोकेशन को देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में, अगर आप इस लोकेशन को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें दोस्तों, ताकि हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिल सकें। और आगे देखते हैं आगे रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे तक आने का एक सरल रास्ता ढूंढ रहे हैं जो अभी तक तो समझ नहीं आया है। बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों ऐसी जगह पे चलना भी, बड़ा स्लीपी एरिया होता है, और ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे गिर गए तो हाथ पैर टूटने ही है। क्योंकि अब यहाँ से कहीं आगे जाने का कुछ ऐसा खूबसूरत सा मंजर अब यहाँ पे है नहीं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमिटमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को दोस्तों खूब खूब शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फर्स्टली मिल सके। तो अब आपसे लेते हैं विदा दोस्तों, गुड बाय, अलविदा दोस्तों। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.